देखो तो यार, आँख देखो बेंचो, ये देखो देखो देखो। अबे अबे, मेरे पे अटैक नहीं मारे बेंचो। तो भाई, इस रेलवे ट्रैक की मैं आपको ना स्टोरी बताता हूँ, ठीक है ना। अबे यार, मैं फ्लैग दिख रहा दिख रहा दिख रहा ये वो देखो भाई। अबे यो गाइस, वेलकम बैक टू वाई द हेल्प व्लॉग। सो भाई लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, बहुत टाइम से अपना था हॉरर व्लॉग पेंडिंग, तो अब ये होने जा रहा है अपना भाई लोग हॉरर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, जैसा कि अभी आप टाइम देख सकते हो, 12:10 हो रहे हैं अभी, ठीक है। और मैं अभी एक सेकेंड फ्लैश ऑन करता हूँ, मैं अभी एक कॉलोनी में हूँ, ठीक है, दिख रहा हो तो। तो भाई लोग, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि अपन ये हॉन्टेड ब्लॉग बनाने कहाँ पे आए। मेरे घर के ठीक पीछे की रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, और वो रेलवे ट्रैक बहुत हॉन्टेड माना जाता है, वो मैंने मेरे पापा से सुना है। तो आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा क्या है। और अभी मेरे पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ट्रेन जा रही है। तो अभी रात के टाइम मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। 12:33, ठीक है, 12:33 हो रहे हैं। तो मैं स्टेशन के मेन गेट से तो एंट्री ले नहीं सकता, तो मैं पीछे वाले गेट से आया हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया हूँ, मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हो भाई, जंगल ही है एक तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ से एंट्री ली है। जी, ये देखो भाई, मैंने एंट्री ली है और यहाँ पर ट्रेन चल रही है, रुक रही है, पता नहीं। मैं अभी जंगल से एंट्री ले रही हूँ अपना भाई, ठीक है। ये शुरू हो रहे हैं भाई, देखो रेलवे ट्रैक, ये देखो ये रेलवे ट्रैक है, सामने ट्रेन जा रही है, आपको दिख नहीं रही होगी यार, बहुत अंधेरा हो रहा है यार। वहाँ आगे थोड़ी लाइट्स है, मैं वहाँ पर चल के दिखाता हूँ आपको। ये क्या आंखें देखो कैसे चमक रही है, तो ब्लर क्यों हो रहा है यार, ये हो रहा है। अभी आंखें देखो इसकी यार, क्या हाल है, पूंछ भी हिला रहा है, मेरे को डरा भी रहा है फिर। मेरे को लगा कांटे का वेंचर, निकलो यहाँ से। तो भाई यार, ये देखो, ये हमारा आदर्श नगर का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइट हो रही है थोड़ी सी, बाकी पूरे स्टेशन पे अंधेरा है, वहाँ तक अंधेरा यार, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। ये ट्रेन खड़ी है मेरे सामने यार, आपको ये भी नहीं दिख रही होगी। और ये देखो भाई, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और ये बहुत हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। और ठीक, मैं अभी यहाँ पर कितने बजे हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। 12:37 हो रहा है, ठीक है। अभी तो मैं 12 बजे घर से निकला था, और मैं अभी यहाँ पे पूरा स्टेशन पर ढंग से पहुँच चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जो है ना, वो है रेलवे स्टेशन, पूरा शुरू हुई है प्लेटफॉर्म में, ठीक है। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म जा रहा है, ये दिख रहा होगा, वैसे ये ठेठ प्लेटफॉर्म जा रहा है वहाँ स्टेशन तक, ठीक है। और ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म खत्म होकर वहाँ पर होता है जंगल शुरू, ठीक है, रेलवे ट्रैक शुरू होती है, ठीक है। तो अपन वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर चलने वाले हैं, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसकी क्या स्टोरी है। ये देखो यार, आप देखो बेंचो, ये देखो देखो देखो। अबे अबे, मेरे पे अटैक नहीं मारे बेंचो, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। मैं अभी फ्लैश ऑन करिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म के एंड पे आ गया हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे एंड हो रहा है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ से रेलवे ट्रैक शुरू हो रही है पूरी आगे तक, ठीक है। घुप अंधेरा है, फिर भी अपन चल रहे हैं यहाँ पे, चल को मैं दिखाता हूँ। भाई तुम डराओ मत, मेरे को इधर आओ। तो आप ये देख सकते हो भाई, मैं अभी चल रहा हूँ रेलवे ट्रैक पे। ये देखो मेरे यहाँ पे जंगल है, मतलब ठीक है, ये देखो ये जंगल है, ये बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ पे एरिया ही नहीं है यार। और एक मैं आपको यहाँ पे आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये नाला है, तो भाई अब मैं आपको इस यहाँ की स्टोरी बताता हूँ कि इस रेलवे ट्रैक की मेन यार स्टोरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, कुछ साल पहले 2015 या 2016 में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट ऐसा खतरनाक हुआ था, ये रेलवे ट्रैक मेरे पीछे ठीक देख सकते हो आप, ठीक है। मैं अभी ये रेलवे ट्रैक भी खड़ा हूँ, ठीक है। तो तब से ये जो रेलवे ट्रैक है ना, हॉन्टेड माना जाता है भाई, खतरनाक वाला। तो यहाँ पर रात को कोई आता नहीं, और मतलब 10 बजे बाद ही यहाँ आना बंद कर देते लोग, और मैं यहाँ पे अभी आया हूँ साला 12:30 बजे, 1 बजने वाली, ठीक है ना। जब से आया हूँ तब से कुत्ते भौंके जा रहे, चुप नहीं हुए, एक सेकेंड चुप नहीं हुए। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब अपन यार उस साइड चलते हैं, ठीक है। मैं अभी लेफ्ट साइड था, अभी ये अपन पटरियाँ पार करके राइट साइड चलते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, अपन ये अभी राइट साइड आ गए, दिख रहा होगा तो आपको। और यहाँ पे है ना खतरनाक वाला एक नाला है, ये देखो इसके नीचे देखो भाई, ये मतलब बहुत तगड़ा नाला है, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी यहाँ पे फुल पानी भरा हुआ है। और वो एक मंदिर है यहाँ पे,
जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही यहाँ पे नीचे मंदिर बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो रहे थे कुछ, तो वो नीचे मंदिर है ठीक है। और यहाँ पे ये नाला है और ये आगे जा रही है पटरियाँ, फुल पटरियाँ जा रही है ठीक है। वो मंदिर यहाँ पे तभी बनाया गया जब यहाँ पे एक्सीडेंट होना शुरू हो गए थे, उस एक्सीडेंट के बाद और एक्सीडेंट होना शुरू हो गए थे, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे यार मतलब पक्षी भी पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं यार, सुनना सुनना। मतलब यार कुत्ते तो कंटिन्यूसली चुप ही नहीं हो रहे हैं यार, और पक्षी पता नहीं कैसी आवाज़ें निकाले जा रहे हैं यार, मेरे को और डरा रहे हैं साले। जी यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है भाई ठीक है ना, वहाँ जाने का नीचे, पर मैं नीचे जा नहीं रहा हूँ भाई, मेरे को डर लग रहा है नीचे जाने से, क्योंकि नीचे और जंगल है, क्योंकि आपको यहाँ पे अंधेरा इसलिए दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, आगे जंगल ही जंगल है, और मेरे पास इतनी लाइट नहीं है भाई यार, इसी वजह से फ़ोन की लाइट में काम चला रहा हूँ। टाइम देख सकते हो आप 12:47 हो रहे हैं ठीक है ना। तो मैं अभी वापस से यार राइट साइड जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को वहाँ थोड़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी ऊपर, और गिरता। तो मैं वापस अपनी साइड आ गया हूँ यार, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा डर सा लग रहा था। देख सकते हो आप वहाँ नीचे रास्ता जाता है ठीक है ना, कोई बिल्कुल भी नहीं है। पक्षियों की आवाज़ सुनाई में आ रही होगी यार, कैसा वियर्ड साउंड कर रहे हैं, सुनो। तो अभी यार मैं तो ना वापस जा रहा था वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, पर फिर मेरे को थोड़ा ऐसा फील आया अंदर से कि भाई थोड़ा आगे चलते हैं यार, अब इतना आए हैं तो भाई 1 बजे तक तो यहाँ रहते हैं ठीक है, 1 बजे तक यहाँ पे रहते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बेटी, क्योंकि मेरे को यहाँ अलग से मेरे को यार अलग से फील आ रहे हैं साला, रोंटे खड़े हो रहे हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ। एक तो यार इन पे चलना भी मुश्किल होता है, पक्षी मेरी गान बजा रहे हैं साले, आवाज़ ऐसी कर रहे हैं। और ये मैं आई सुनो, ये शायद मेरे को वार्निंग दे रहे कि चला जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे 12 बज जाएगी। तो यार मैं आपको ये दिखाने चीज़ मेन नहीं लाया हूँ, ये देखो ये पटरी है, वहाँ पे वो पटरी चेंज हो रही है ठीक है, क्रॉसिंग हो रही है, तो वो क्रॉसिंग पे यहीं पे क्रॉसिंग की वजह से वो है ना एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन की जो पटरी है ना वो जुड़ नहीं पाई थी ठीक है, ये यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ना चेंज हो रही है, जुड़ नहीं पाई थी। तो अब मेरे को यहाँ गंदी सी फील आ रही है भाई, मतलब यार अंदर से फील आती है ना यार, आपको लग जाता है कि भाई कुछ है यहाँ पे, तो वो वाली फील आ रही है यार। पक्षी की आवाज़ यार अभी तक आ रही है यार, क्यों बोल रहे हैं इतना यार, अरे भैंचो दिखे यार, अभी कुत्ता है क्या है, ये दिख रहा है गाय, रुको जूम करता हूँ यार, दिख रहा है क्यों, वो देखो भाई यार, पेटी चो दिख क्या है यार, रुक यार रुक। अबे भाई भागो भाग यहाँ से, भाग भाई, 12 बज रही है यार भाई, यहाँ से निकलना, अरे अरे भाई रुक गिर नहीं जाऊँ यार भाई, अरे भाई 12 बज गई यार, रुको यार मैं पहले यहाँ से निकलूँ भाई, मैं यहाँ से भग के आ गया पीछे से, मैं तो जा रहा हूँ भाई स्टेशन की तरफ ठीक है, ये घर है मैं यहीं पर उतर रहा हूँ, रुको यार, अरे बेंच भाई ये क्या हो रहा है यार भाई, ऐसे लगा भैंचो भागते हुए पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा, भाई यहाँ से निकलो यार, जल्दी से निकलो। तो यार रास्ता भी नहीं है, पटरी है, बीच में से भागना पड़ रहा है। तो भाई जैसा कि मैं अभी यहाँ से नीचे उतर के आ चुका हूँ भाई, यार यहाँ पे भी मेरे को फील सही नहीं लग रहा है, चमकादड़ अलग घूम रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे वहाँ रेलवे ट्रैक है ठीक है भाई 12 बज गए यार, मतलब ऐसा लगा वहाँ पे कोई इंसान बैठा है या कोई जानवर बैठा है, मेरे को ये पसंद समझ में नहीं आया वहाँ पे था क्या ठीक है, कुछ तो था। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ से जा रहा हूँ भाई घर, मेरी तो फट रही है
मैं यहाँ से फटाफट से घर जा रहा हूँ, फिर घर पे जाके आपसे फटाफट से मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ सेफ नहीं लग रहा, यहाँ बोलना उल्टा नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए, फटाफट चलते हैं घर पे।